In this question, suppose the second charge in the previous problem is minus 1 into 10 raised to power minus 6 coulomb. Locate the position where the third charge will not experience a net force, right? To watch the previous video question, so you can click on the information link on the right upper corner. So this question mein, previously we have two charges. One is Q1 and the other one was Q2, right? सो हमने जो Q2 चार्ज लिया था लास्ट टाइम इट वॉज 1 × 10⁻⁶ विच वॉज पॉजिटिव इन पोलैरिटी. नाउ दिस टाइम इट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव 1. ओके, तो Q1 इज आपका अगेन 2 × 10⁻⁶, करेक्ट. तो अभी हमें पोजिशन फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पे हम थर्ड चार्ज को रखें सो दैट कि उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाए, राइट. तो पिछली बार जो हमने रखा था वो इट वॉज़ हियर लाइक Q3. अगर इस बार भी हम इसको यहीं पर रखेंगे तो क्या होगा कि ये जो Q2 चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा एंड Q1 चार्ज इसको रिपेल करेगा. तो हम बोल सकते हैं कि Q1 और Q2 के बीच में Q3 के ऊपर हमेशा एक फोर्स लगेगा, राइट, एंड इट इज़ गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ Q2, ठीक है. अभी लेट्स से हम इसको इसके Q2 के राइट साइड में रखते हैं, ठीक है. तो ये दिस इज़ Q3. अभी क्या होगा, Q2 जो है इसको अट्रैक्ट करेगा एंड Q1 जो है इसको रिपेल करेगा, ठीक है. तो ये एक पोजीशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे Q3 के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो हो सकता है अगर इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाए, राइट. तो हम क्या करेंगे, लेट से कि यहाँ से Q2 से Q3 का जो डिस्टेंस है वो x है एंड हमें पता है कि Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर दिया है. ये पिछले क्वेश्चन में दिया था, राइट. सो माय पोजीशन ऑफ Q3 इज़ गोइंग टू बी इन द राइट ऑफ Q2. तो अभी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि F32 शुड बी इक्वल टू F31 इन मैग्नीट्यूड, ठीक है. तो F32 कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला हमें पता है Q3 Q2 अपॉन द डिस्टेंस इज x, तो x² इज इक्वल टू F31 क्या होगा, Q3 Q1 अपॉन इस बार जो डिस्टेंस होगा वो होगा 10 + x², ठीक है. तो K and K विल कैंसल एंड Q3 and Q3 विल ऑल्सो कैंसल. सो जो बचेगा वो होगा 1 / x² इज इक्वल टू 2 / 10 + x² होल स्क्वायर. ध्यान रखिए कि हमने यहाँ पे नेगेटिव चार नेगेटिव साइन नहीं लिया है जो कि Q2 का है, क्योंकि हमने डायरेक्शन को कंसीडर कर लिया है तो हम इस पर मैग्नीट्यूड के साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है. तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होगा 10 + x² इज इक्वल टू 2x². इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी 100 + x² + 20x इज इक्वल टू 2x². फर्दर इट विल बिकम x² - 20x - 100, ठीक है. तो अब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए आई कैन यूज़ फार्मूला -b + √b² - 4ac / 2a. तो इफ आई फिल द वैल्यू ऑफ दिस वन, सो दिस b इज -20, तो दिस विल बिकम +20 + √b² इज 400 एंड -4ac इज +400, ठीक है, / 2a इज 2. सो दिस विल बिकम 20 + −10 × 8/2, और आई कैन से 10 + −10√2, ठीक है. तो यहाँ से दो आंसर हो सकते हैं, एक तो हो सकता है प्लस विच इज 10 + 10√2, और दूसरा हो सकता है x = 10 - 10√2. ये जो 10 - 10√2 होगा ये आपको क्या रिजल्ट देगा, देखो 10 - √2 इज ग्रेटर देन 10, सो आंसर विल बी माइनस, राइट. तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि x जो है वो नेगेटिव है. अगर x नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि Q3 जो है वो Q2 से पहले आ चुका है, राइट. तो अब हमें पोजीशन रखनी है Q3 की Q2 से राइट हैंड साइड में, तो बट इसकी वजह से क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में आएगा, राइट. तो ये आंसर हमारा कंसिडर नहीं होगा, राइट.
तो हमारा जो आंसर कंसीडर होगा वो होगा 10 + 10√2। अब 10 + 10√2 से क्या होगा, दिस विल बिकम रूट टू का वैल्यू जो होता है वो होता है 1.414। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी 24.14। ठीक है, तो 24.14 फ्रॉम द क्यू टू पोजिशन विच इज़ गोइंग टू बी द इन द राइट हैंड डायरेक्शन। तो अगर मुझे क्यू वन से वैल्यू देखना है तो आई कैन से कि इट इज़ गोइंग टू बी क्यू थ्री के पोजिशन इज़ इक्वल टू 34.14 फ्रॉम द लार्जर चार्ज। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम।